वेलकम टू दी सेवंथ लेक्चर ऑफ आर्ट एंड कल्चर. दिस इज हिमांशु, 2019 CAPF टॉपर, AIR 163. देखिए, ये जो हमारा लेक्चर है ये फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी, सिक्स इंडियन फिलॉसफी हम लोग इसमें डील करेंगे. दैट इज़ समाख्या, योगा, न्याय, वैसाशिखा, मीमांसा एंड वेदांता. देखिए, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ऑल्टरनेट या दो तीन सालों में. मैं हमारे टाइम पे एक आया था मीमांसा फिलॉसफी से रिलेटेड. तो लेट अस बिगिन. देखिए, पहला जो है वो सांख्या फिलॉसफी है. जो सांख्या फिलॉसफी था वो 6th century BC में आया था, और ये बिलीव करता था कि सिर्फ प्राकृति ही है यूनिवर्स का क्रिएशन के लिए. लेटर ऑन 4th century AD में जो सांख्या फिलॉसफी है वो बोलता है कि सिर्फ प्राकृत नहीं, स्पिरिट भी रोल प्ले करता है इन द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. आपको कुछ फैक्ट्स सांख्या फिलॉसफी से याद रखने. देखिए, सबसे पुराना फिलॉसफी है, इसके फाउंडर हैं कपिल मुनि. अर्ली सांख्या फिलॉसफी जो बोलता है वो जो प्रेजेंस ऑफ डिवाइन एजेंसी, इट इज़ नॉट एसेंशियल इन यूनिवर्स क्रिएशन. सिर्फ मैंने पहले बता दिया कि सिर्फ इट ओज क्रिएशन एंड एवोल्यूशन नेचर. फिर लेटर है 4th century AD, ये नेचर के साथ साथ पुरुष दैट इज़ स्पिरिट का भी बिलीव करता है कि इट इज़ एन एलिमेंट इन द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. देखिए, सांख्य फिलॉसफी बोलता है कि सेल्वेशन जो है वो सिर्फ रियल नॉलेज से अटेन हो सकता है, और रियल नॉलेज यही है कि पुरुष और प्राकृत दोनों ही सेपरेट हैं. और ये सांख्य फिलॉसफी बोलता है कि वन गेट्स द होल्ड, ये आपको तब समझ में आएगा थ्रू थ्री स्टेज. मतलब पहला है प्रत्यक्ष, दैट इज़ परसेप्शन, अनुमान, दैट इज़ इन्फरेंस, लास्ट में है शब्द, दैट इज़ विटनेस, टेस्टिमनी एंड हियरिंग. एग्जाम व्यू पॉइंट्स आप बस ये याद रखें कि थ्री स्टेज है, दैट इज़ पहला है परसेप्शन, दूसरा है इन्फरेंस, तीसरा है विटनेस, टेस्टिमनी एंड हियरिंग. आगे प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट फिलॉसफी जो हमारा है वो योग फिलॉसफी है. देखिए, इसके फाउंडर पतंजलि थे. पतंजलि को एम्प्लॉय किया था पुष्यमित्र संगा कोर्ट में 185 BC में. फैक्ट है, याद रखेंगे. इस फिलॉसफी के हिसाब से देखिए, कोई भी सेल्वेशन मेडिटेशन के थ्रू और फिजिकल एप्लीकेशन मेडिटेशन का करके अटेन कर सकता है. इसमें प्रैक्टिस करते हैं कि कंट्रोल ओवर प्लेजर सेंसेस एंड बॉडीली ऑर्गन्स. ये डूज एंड डोंट्स भी ये फिलॉसफी बताता है, जिसको हम बोलते हैं यम एंड नियम. फाइनल स्टेज जो योग का फिलॉसफी का है वो कुंडलिनी जागरण है. देखिए, हम स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं एग्जाम व्यू पॉइंट से, तो आपको इतना ही फैक्ट्स याद रखना है इसमें. देखिए, न्याय फिलॉसफी नेक्स्ट है हमारा, तीसरा. इसके फाउंडर थे गौतम. ये स्कूल ऑफ एनालिसिस और लॉजिक है, और इसी के थ्रू सेल्वेशन अटेन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी. देखिए, इसमें फोर स्टेज, मतलब वैलिड नॉलेज जो है वो फोर स्टेज से आता है. दैट इज़ प्रत्यक्ष, दैट इज़ परसेप्शन, अनुमान, दैट इज़ इन्फरेंस, उपमान, दैट इज़ कंपैरिजन, और शब्द, दैट इज़ विटनेस, टेस्टिमनी एंड हियरिंग. देखिए, सांख्या फिलॉसफी में भी हमने देखा था थ्री स्टेज, परसेप्शन, इन्फरेंस एंड विटनेस. यहाँ पे एक एडिशन है न्याय फिलॉसफी में, दैट इज़ कंपैरिजन. इसीलिए कंपैरिजन, इसलिए क्योंकि आप लॉजिक और एनालिसिस इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए आप कंपैरिजन करके और अच्छे से समझ सकते हैं कि सेल्वेशन कैसे अटेन किया जाए. दिस वाज द न्याय फिलॉसफी. नेक्स्ट हम बात करते हैं वैसेशिका फिलॉसफी की. देखिए, दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2019 कि कनद किस फिलॉसफी से रिलेटेड है. तो आप याद रखें, देखिए, इसके फाउंडर कनद थे. इसका ये मतलब है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंड जो है वो मतलब दैट इज़ पार्ट ऑफ एटम. ऑल द फिजिकल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर. एग्जाम पॉइंट्स इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए. नेक्स्ट फिलॉसफी हम बात करते हैं मीमांसा. देखिए, मीमांसा फिलॉसफी के फाउंडर हैं वो जैमिनी हैं. इसमें इसका लिटरल मीनिंग है रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, बट ये जो दिया हुआ था, ही वॉज हैविंग वेस्टेड इंटरेस्ट, ही वॉज फॉर जस्टिफाइंग ऋग्वेदिक रिचुअल्स. तो ये बोलते थे, ये मीमांसा फिलॉसफी के हिसाब से, कि सेल्वेशन तभी पॉसिबल है जब आप परफॉर्मेंस करते हैं वैदिक रिचुअल्स का. और सेल्वेशन मतलब जो बर्थ साइकिल है, डेथ साइकिल का जो लूप है, उससे आप तभी बाहर निकल सकते हैं इस फिलॉसफी के हिसाब से, जब आप मोक्ष को अटेन करते हैं. और मीमांसा के हिसाब से दैट कैन नॉट बी अटेन विदाउट द हेल्प ऑफ प्रीस्ट. तो मीमांसा को हम कर्मकांड फिलॉसफी भी बोलते हैं, ये एक फैक्ट है, आप याद रखेंगे. देखिए, लास्ट फिलॉसफी है वेदांता फिलॉसफी. इसका लिटरल मीनिंग है एंड ऑफ वेदास. देखिए, ब्रह्मसूत्र बद्रयान इज़ द बेसिस ऑफ वेदांत फिलॉसफी. इसमें कमेंट्रीज शंकराचार्य ने 8th century AD में, और रामानुजम 12th century AD में दिया था, ये आप याद रखेंगे. देखिए,
वेदांता फिलॉसफी को दो, इसके दो ब्रांचेस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से। अद्वैतवाद जो कि शंकराचार्य ने दिया था, देखिए अद्वैतवाद का मतलब है नॉन डुअलिज्म, मतलब ज्ञान मार्ग, नॉलेज ऑफ सेल्फ। शंकराचार्य ने कहा कि सेल्फ नॉलेज से ही आप सेल्वेशन अटेन कर सकते हैं। दूसरा जो इसका ब्रांच है वो विशिष्ट अद्वैत, दैट इज़ क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। इस ये फिलॉसफी रामानुजम ने दिया था 12th century AD में। और इसका विशिष्ट अद्वैत का मतलब है भक्ति मार्ग, कि आप सेल्वेशन भक्ति के थ्रू अटेन कर सकते हैं। देखिए एग्जाम व्यू पॉइंट से दो तीन सवाल यहाँ बन सकते हैं। दोनों में सिमिलैरिटी ये था कि दोनों ही मानते थे कि ब्रह्म इज़ द ओनली ट्रुथ एंड एवरी थिंग एल्स इज इल्यूजन, सब कुछ माया है। शंकराचार्य जो थे वो बिलीव करते थे कि ब्रह्म इज़ विदाउट एनी एट्रीब्यूट, लेकिन रामानुजम बोलते थे कि ब्रह्म इज़ हैविंग स्पेशल एट्रीब्यूट। दोनों ही बिलीव करते थे कि ब्रह्म एंड सोल आर नो हैविंग नो डिफरेंस, दे आर सेम। शंकराचार्य बोलते थे कि सेल्वेशन नॉलेज के, नॉलेज ऑफ सेल्फ से अटेन किया जा सकता है। यहाँ पे रामानुजम जो है, नॉलेज ऑफ सेल्फ जिसको हम ज्ञान मार्ग भी बोलते हैं, रामानुजम यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करते थे। वो बोलते थे कि सेल्वेशन भक्ति मार्ग से अटेन किया जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर द फिलॉसफी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक दीज लेक्चर्स आर हेल्पिंग यू आउट। प्लीज़ शेयर इट विद दोज स्पेशली हु आर इन नीड ऑफ दिस लेक्चर्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर होगा आर्ट एंड कल्चर में, विल बी डीलिंग विद द डांसेस, क्लासिकल डांसेस। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।